गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी को पता है, तो उसी तरह से आप अटेंडेंस बनाइए। सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो मैथमेटिक्स की बुक ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 76, एक्सरसाइज 5.3। आपका होमवर्क था 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आप सभी बच्चों को होमवर्क दिया गया था, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। और उन बच्चों को मैं फिर से बता दूँ ये बात जो रोज़ रिपीट किया जा रहा है, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवा लें स्कूल से, ठीक है ना। और जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक ओपन करेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो फ़िलहाल अभी तो आप नोटबुक ही ओपन कीजिए, लेकिन हर हाल में अपनी बुक परचेस करवा लीजिए, ओके। चलिए मैं कल वाला जो होमवर्क था आपका वो सॉल्व कर देती हूँ, और आंसर आप मैच कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो चेक नहीं हो सकता है, तो हम आंसर के ज़रिए, मतलब मैं सॉल्व करती हूँ तो आप सभी अपना आंसर मैच कर लेते हैं ताकि वो सही हो जाए, है ना। ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी का आंसर सही रहता होगा, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, तो उससे क्या है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे बनाती हूँ और आप सभी बच्चे चेक करते हैं। तो उसी तरह आज फिर से मैं क्वेश्चन बना देती हूँ, यानी कि जो प्रीवियस क्लास का होमवर्क था आप सभी का, ठीक है ना, तो वो आप मैच कर लीजिएगा, और जो आज का जो होमवर्क होगा वो आप देखिएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह से क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, आपको ब्लैंक्स आपको फिल करना था, तो आपको क्या करना है, 9 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 1 इज 9, ओके। हम अगर 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा नंबर रहता है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके ना। उसके बाद है 5 इंटू 0, हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 ही आएगा, ओके। उसके बाद है नंबर सी, 21 इंटू 1, तो इसका भी आंसर 21 आएगा, ठीक है। उसके बाद है डी, 14 इंटू 0, इक्वल टू 0। ये ब्लैंक्स है, इसीलिए मैं निशान अंडरलाइन करते रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। उसके बाद है नंबर ई, 0 इंटू 7, ठीक है, इक्वल टू 0। एफ, क्वेश्चन नंबर एफ, 0 इंटू 15, आंसर 15 ही होगा। जी, ओके, 1 इंटू 27, इक्वल टू 27। हम 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 27 ही आएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर एच, एच में क्या है, 10 इंटू 0, इक्वल टू 0, 10 नहीं होगा, 0 होगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आई, 9 इंटू 1, इक्वल टू 9, ठीक है ना। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आप सभी बच्चों को समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर जे, जे में है 1 इंटू 10, इक्वल टू 10, ठीक है। के, 1 इंटू 15, इक्वल टू 15। एन एल लास्ट है आपका, 0 इंटू 32, इक्वल टू 32। तो ये आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क हो गया, जो मैं सॉल्व करती हूँ। और आप सभी क्या करेंगे, अपनी बुक और नोटबुक से, जिन बच्चों के पास नोटबुक है वो नोटबुक से मैच कर लेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक से मैच करेंगे, ठीक है ना।
तो इस तरह से आपका कल वाला होमवर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर, जो हमारा आंसर है वो सेम रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम 0 से करेंगे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सभी बच्चों ने इसे बनाया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी का आंसर सही होगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं इसे बना दी हूँ, सॉल्व कर दी हूँ, आप सभी एक बार मैच कर लें। अब एक्सरसाइज 5.3 का जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा। बुक वाले बच्चे अपने बुक में ही बनाएंगे और नोटबुक वाले बच्चे बोर्ड से नोट कर लेंगे, ओके। तो मैं वो क्वेश्चन बोर्ड पे दे रही हूँ, ठीक है ना। और आप सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक में ही नोट करेंगे, और अगर पेज खाली है तो उसी पेज में बनाएंगे, और अगर नीचे का जगह नहीं बचा है तो आप दूसरे नए पेज से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैं इरेज करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फिल इन द मिसिंग मिसिंग बॉक्सेस BOSES बॉक्सेस, ठीक है ना। मिसिंग बॉक्सेस मतलब बॉक्स बना हुआ है, उसमें नंबर्स नहीं दिए गए हैं, वहाँ पे नंबर क्या हो गया, मिस हो गया है, तो आपको उस बॉक्स को फिल करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन नंबर ए, 3 × 2 = यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, एंड 3। नंबर बी, 9 = 8 × 9। सी, 7 × 5 = 5 × what। इस तरह से आप, जैसे मैं बॉक्स बना रही हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ बोर्ड पे, उसी तरह नोटबुक वाले बच्चे भी लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से एकदम आपको बोर्ड से अपनी नोटबुक में नोट करना है। नंबर डी, डी में है व्हाट इनटू 6, मतलब बॉक्स है यहाँ पे, ब्लैंक से यहाँ पे कौन सा नंबर भराएगा आपको फिल करना है, ठीक है। इस तरह से है क्वेश्चन। 3 × 9 = what × 3। अब है एफ, क्वेश्चन नंबर एफ, 6 × 10 = what × 6, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से आपको बना लेना है। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग बॉक्सेस, ये जो बॉक्सेस हैं इसमें नंबर मिसिंग है, आपको उसमें फिल करना है नंबर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी आप नोट कर लीजिए, जिन बच्चों के पास नोटबुक है, इसलिए मैं बोर्ड पर लिखवाती हूँ ताकि नोटबुक वाले बच्चे नोट कर लें, और बुक वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप होमवर्क बना लीजिएगा, ठीक है ना। अपनी बुक में होमवर्क बना लीजिएगा, और नोटबुक वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अपने नोटबुक में नोट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द मिसिंग
नंबर यहाँ पे मिस है, आपको नंबर को फिल करना है। वहाँ पे बॉक्स में नंबर मिस था, तो वहाँ पे आपको बॉक्स को फिल करना था। अब यहाँ पे नंबर में मिसिंग है, मतलब नंबर नहीं लिखा हुआ है, उसको आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है, 8 × 4 = 8, ठीक है ना। 8 को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 8 आएगा। उसके बाद है बी, बी में है 17 × 4 = 0, 17 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 0 है। उसके बाद है सी, यहाँ पे खाली है, 2 × 1 = 5, डी 10 × 1 = 10, ई 24 × 1 = 0, ठीक है ना। उसके बाद है एफ, यहीं पे मैं लिख देती हूँ एफ, क्वेश्चन नंबर एफ है 5 × 10 = what, जी क्वेश्चन नंबर जी 3 × 4 = 30, एच 7 × 100 = what, इसके बाद है आई, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या है, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे ब्लैंक्स है, निशान खींच दिया गया है, मतलब अंडरलाइन है, तो वहाँ पे आपको नंबर्स को फिल करना है। तो नंबर को आप कैसे फिल कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है, 8 × 8 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 8 आए, ओके। 17 × 0, मतलब 17 को हम कितनी बार किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 0 आएगा। उसके बाद है यहाँ पे आपको नंबर फिल करना है 1 × 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 5 आए। उसी तरह 10 × 10 = 10, 24 × 0, 5 × 10 = what, मतलब what मीन्स यहाँ पे आपको नंबर लिखना है क्या होगा, ठीक है ना। 3 × 30, 30 को हम कितने नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 30 आए। उसी तरह 7 × 100, उसका आंसर क्या आएगा आपको लिखना है। यहाँ पे कौन से नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 400 हो। 9 × 10 = what, मतलब 9 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा। तो इस तरह से आप सभी ब्लैंक्स को फिल कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो ही गया, आपका 2 और 3 होमवर्क रहेगा, ओके। तो इस चीज़ को आप अच्छे से बनाइएगा और फिर मैं इस बात को रिपीट कर दूं कि आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल, मतलब पहाड़ा जो होता है वो आपको हर हाल में याद करना है, हर हाल में, ठीक है ना। आपको 2 से 20 तक का टेबल आना चाहिए और ये ज़रूरी है आप सभी बच्चों के लिए। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपको टाइम अभी मिल रहा है, अभी आप घर पे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपको टेबल याद हो जाए हर हाल में, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट है हर एक चीज़ के लिए, मैथ के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन टेबल आना चाहिए। तो इस चीज़ पे आप गौर कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। और आपका ये होमवर्क के बाद भी आपका एक दूसरा होमवर्क है, मल्टीप्लिकेशन टेबल रिमेंबर करने का, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप भूलिएगा मत, होमवर्क बना लीजिएगा, खाली टाइम रहेगा तो आप उसमें पहाड़ा यानी कि टेबल याद कीजिएगा, ओके। तो मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। हो गया आपका होमवर्क, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। इसे अच्छी तरह से बनाइएगा और मल्टीप्लिकेशन टेबल आप याद कीजिएगा, ठीक है ना। अब जो चैप्टर यानी कि जो दूसरा एक्सरसाइज है वो मैं कल पढ़ाऊँगी, आज नहीं पढ़ाऊँगी। आज आपके लिए 2 क्वेश्चन काफ़ी है, इसे अच्छे से आप बनाइएगा समझ समझ कर, ओके।
ओके। और मल्टीप्लिकेशन टेबल है 2 से 20 तक का, तो हर हाल में याद होना चाहिए। आप एक दिन में कोशिश कीजिए कि 2 से 3 टेबल याद हो जाए, ठीक है ना। अगर नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप 2 टेबल तो हर हाल में याद कर लें, ठीक है ना। 2, 3, 4 यहाँ आपको 10 तक का टेबल, नहीं तो आपको 11, 12 तक का टेबल याद होगा। और अगर जिन बच्चों को नहीं याद है तो वो बच्चे हर हाल में याद करेंगे, और जिन बच्चों को याद है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि याद है, लेकिन इसे रिवाइज करते रहिए, है ना। मैथ क्या है, मैथ होता है रिवीजन का काम। मैथ में हम जितना भी रिवीजन करेंगे हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। तो मैथ है, प्रैक्टिस करो और इसको रिवीजन करते रहो, मतलब हम इसको हमेशा याद करते रहेंगे, फार्मूला को याद करते रहेंगे, है ना। जैसे टेबल को हम याद करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो हमें वो और अच्छे तरीके से याद होगा, ठीक है ना। तो ये तो काम आपको बहुत ज़रूरी है करना। उसके बाद मैं एक बार फिर से ये बात समझा दूँ, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपने मम्मी पापा से कहकर अपनी बुक परचेस करवा लें, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बुक में ही बना सकते हैं, ठीक है ना। वो एक्टिविटीज़ को हम नोटबुक पे नोट नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि आपको रीडिंग करना भी आना चाहिए, और जब तक बुक नहीं रहेगी, आपकी क्लास की बुक नहीं रहेगी, सब्जेक्ट की बुक नहीं रहेगी, तो आप रीडिंग नहीं कर पाइएगा और उस चैप्टर को समझ भी नहीं पाइएगा। मैथ है, मैथ में भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसे हम बुक के ज़रिए ही समझ सकते हैं, पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं, है ना। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो तो आसानी से बना रहे हैं, उनको इतना क्वेश्चन उतारना भी नहीं पड़ रहा है बोर्ड से, है ना। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आपको इतने इतने क्वेश्चन उतारने पड़ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैथ में ही है, मतलब क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन नंबर 3 का 10 क्वेश्चन है। उसके बाद इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको उतारने पड़ जाते हैं, उसके बाद बनाना है उसे, तो इसमें क्या है, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है ना। और यही टाइम अगर आपका बचता है तो आप दूसरे सब्जेक्ट को रिमेंबर करने में आप लगा सकते हैं। तो ये क्या है, आपका टाइम जो होगा वो कम होगा, और एक सब्जेक्ट में आपको कम टाइम लगेगा उसे बनाने में, याद करने में, और जो बाकी टाइम बचता है वो हम दूसरे सब्जेक्ट को याद करने में लगा सकते हैं ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उतारते उतारते थक जाते हैं तो हमें पढ़ाई करने का भी मन नहीं करेगा, क्वेश्चन क्योंकि बहुत है, बोर्ड पे लिखाते लिखाते उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, उसके बाद आप नोट कीजिएगा, उसके बाद उसको बनाइएगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। एक तो आपको उतारना है बोर्ड से, और दूसरा उसे नोट करना है। हाँ, क्वेश्चन आंसर वगैरह है तो वो तो हर हाल में आप सभी बच्चे नोटबुक में ही नोट करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, मैच द फ्लाइंग हो गया, फिलहाल तो बुक में ही बनाना। हाँ, रिवीजन होता है तो रिवीजन टाइम हम नोटबुक में नोट करवाते हैं, वो अलग है, लेकिन अभी फ़िलहाल सभी बच्चे जिनके पास बुक है वो तो आसानी से बना रहे हैं, उसे याद करने का भी टाइम उन्हें मिल रहा है। लेकिन आप सभी जिन बच्चों के पास बुक्स है नहीं है, ठीक है ना, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है उनको डबल टाइम लग रहा है इसमें, तो ये सब चीज़ आपके लिए ही बेहतर है। तो प्लीज़ आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी बुक परचेस करवा लेंगे, और जिन बच्चों के पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को बुक ला कर दे दें, ताकि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके, वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सके, ठीक है ना। तो हम अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को क्या देती हूँ, मैं गुड मैनर टिप देती हूँ। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, प्लेइंग आउटडोर से रिलेटेड है। जब आप खेलने जाते हैं बाहर तो आपका, यानी कि आप क्या कीजिए और क्या नहीं करना चाहिए वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड है। तो आज का जो गुड मैनर टिप है वो क्या है, डू नॉट ईट एट द प्ले एरिया। जहाँ पर आप खेल रहे हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे हमें खाना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का चीज़ क्यों ना हो, ठीक है ना। खाना इसलिए नहीं चाहिए, एक तो आप खेल रहे हैं उस दौरान क्या होता है, धूल डस्ट वगैरह हमारे कपड़े में, हमारे हाथों में लग जाता है ना, और वहाँ पे बहुत सारी वहाँ पे डस्ट उड़ते हैं, तो इससे क्या होगा, अगर जो चीज़ हम खाएंगे, एक तो हमारा हाथ गंदा है, उसके बाद डस्ट उड़ रहा है, तो क्या होता है वो हमारे पेट में जाएगा, उससे हमें बीमारियाँ होंगी। तो इसीलिए मना किया जाता है कि खाने के यानी कि खेलने के दौरान हमें खाना नहीं चाहिए, और खाने के दौरान हमें खेलना नहीं चाहिए, ये दोनों चीज़ नहीं करना है। एक तो खाने के समय हमें खेलना नहीं चाहिए, और खेलने के समय हमें खाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।